यूं तो ये एक व्यक्ति की निजी उपलब्धि है, लेकिन जब उपलब्धियां सामाजिक आंदोलन में सक्रिय किसी व्यक्ति से जुड़ी हों, तो यह पूरे समाज की उपलब्धि हो जाती है। जी हाँ, खबर यह है कि प्रख्यात सामाजिक चिंतक और अम्बेडकरी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर विवेक कुमार देश के विख्यात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन बन गए हैं। डॉक्टर कुमार इसी सोशियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2001 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बतौर शिक्षक ज्वाइन किया था। हमने सर से पूछा कि ये उपलब्धि कितनी बड़ी है और इसके क्या मायने हैं। मुझे लगता है कि ये जो चेयरपर्सनशिप है वैसे तो सीनियोरिटी के हिसाब से आती है, लेकिन एक व्यक्ति का और जिस समाज से हम आते हैं उन समाज के लोगों का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहुंचना, और वो भी टूटी मुटी भाषा के अंदर हिंदी और अंग्रेजी में वहाँ पर आना, और फिर अपने आप को छात्र के रूप में स्थापित करना, फिर एक टीचर के रूप में स्थापित करना, वहीं पर एमए, एमफिल और पीएचडी करके और उसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर होना और उसके बाद चेयरपर्सन होना, ये एक लंबा सफ़र है। लेकिन जो व्यक्तिगत अगर अचीवमेंट के तौर पर कहें तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि संस्थान के बारे में कि ये संस्थान ऐसा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ऐसा संस्थान है जहाँ पर टूटी हुई चप्पल, फटे हुए कपड़े पहन करके टूटी मुटी भाषा में आने वाले भी स्थापित होकर के निकलते हैं और जीवन के अंदर अपना जो है स्थान बनाते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत के या समाज के बारे में कहा जाए तो अगर समाज नहीं होता, समाज ने सहारा ना दिया होता या समाज के प्रति हमारी लगाव ना होता तो शायद ये अचीवमेंट नहीं कर पाते। चौथी तरफ परिवार, अगर परिवार वाले सहारा ना देते या परिवार वाले हमको इतनी छूट ना देते तो हम रिसर्च नहीं कर पाते। और फिर व्यक्तिगत, व्यक्तियों ने सहारा दिया तो उसमें मुझे लगता है माता और पिता का बहुत बड़ा रूप होता है। माता मेरी अशिक्षित तो नहीं, लेकिन हाँ उनके पास स्कूली डिग्री नहीं थी और उसके बाद भी जब मैंने पीएचडी की डिग्री उनके हाथ में रखी तो उन्होंने ये कहा कि और मोटी किताब लिखो। तो ये अपने आप में होना और फिर पिताजी का सहारा, जो उनका लगातार लड़ते रहना अपने विभाग में समाज से, और 7 बच्चों को किसी को इंजीनियर बनाना, किसी को जो है डॉक्टर बनाना, किसी को प्रोफेसर बनाना, ये उनका अपना कंट्रीब्यूशन था। फिर हमारे गुरु का जो प्रोफेसर नंदूराम थे, उन्होंने किस प्रकार हमको शिक्षा के जगत में जो कौन सी किताबें हैं किस प्रकार पढ़ना और उस वातावरण में ढालना कि नहीं रिसर्चर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये एक लंबा सफ़र है और मुझे लगता है हर एक व्यक्ति का समाज में और संस्थान में और जीवन में उसका योगदान है जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। लखनऊ के रहने वाले विवेक कुमार ने अपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वहीं से की। उसी दौरान माननीय कांशीराम जी के संपर्क में आने पर वह बहुजन आंदोलन से जुड़ गए। साल 1990 में डरते डरते वह अपने आप में अनोखे लाल ईंटों के शैक्षणिक महल जेएनयू में एमए करने पहुंचे। फिर यहीं से एमफिल किया, पीएचडी की और फिर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में शिक्षक बने। वो यहीं नहीं रुके बल्कि अपनी मेहनत और नए तर्क गढ़ने की प्रतिभा के कारण न सिर्फ देश बल्कि देश के बाहर भी उनकी प्रसिद्धि होने लगी। यही वजह रही कि विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उनको विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए बुलाया। वह कोलंबिया के सोशियोलॉजी विभाग में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर जाने वाले पहले भारतीय थे। विदेशी यूनिवर्सिटीज में जाने की उनकी कड़ी यही नहीं रुकी। उन्होंने जर्मनी के हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया और विश्व के 12 देशों में शैक्षणिक टूर पर गए।
हमने उनसे पूछा कि लखनऊ से जब वो पहली बार JNU आए और बतौर छात्र जिन प्रोफेसर्स के कमरे में जाने से वो घबराते थे, आज उसी विभाग का चेयरपर्सन बन जाना उनके लिए कैसा है। हम हमेशा इस बात को रेखांकित करते आए हैं और हमारे जैसे बहुत सारे रेखांकित करते आए हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हमारी सामाजिक माँ है, सोशल मदर। बायोलॉजिकल मदर हमारी सचमुच की माँ है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हमारी सामाजिक माँ है, जिसने हमें समाज क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के मायने क्या होते हैं और हमारा समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, और समाज के अंदर भी विशिष्ट प्रकार के अलग अलग समूह हैं, उनका हमारा क्या उत्तरदायित्व है, ये सिखाया। तो मुझे लगता है कि वो एक जो बालक जिसको टूटी फूटी भाषा का केवल ज्ञान था, जिसको अंग्रेजी भी बोलना ठीक से नहीं आता था, वो जब उसको स्वतंत्र वातावरण मिलता है और उसको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसके अंदर किस प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अगर हम अपने आप को देखते हैं। और सच आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर घुसते हुए इसकी जो संस्कृति थी उसका हमें तसव्वुर भी नहीं था, कल्पना भी नहीं थी, और यहाँ के जो लोगों को हमने देखा तो सचमुच एक डर तो रहता था। और फिर हमको हॉस्टल नहीं था, गाज़ियाबाद से सुबह 9 बजे का क्लास करने के लिए 3 बस पकड़ करके आना, और यहाँ के जो अंग्रेजी का शब्द होता था, समाजशास्त्र का जो शब्द होता था, उसको किस प्रकार हम पहले भार्गवा की डिक्शनरी देखते थे, फिर भार्गवा की डिक्शनरी के बाद फिर हम समाजशास्त्री डिक्शनरी देखते थे। तो ये सब मुझे लगता है एक तरह से सृजन की प्रक्रिया थी जिसको पार करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अब मुझे लगता है उत्तरदायित्व बढ़ जाता है और समाज के लोग लगातार इस बात को ध्यान दिलाते रहे कि जैसे जैसे आप समाज में कदम रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका उत्तरदायित्व और आपका जो रोल है वो बढ़ता चला जाता है, लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं कुछ भावनाओं से, कुछ आकांक्षाओं से। मुझे लगता है वो एक चुनौती है, किस प्रकार पूरा करेंगे ये तो समय बताएगा। प्रोफेसर विवेक कुमार की उपलब्धियों की गिनती यहीं खत्म नहीं होती है। बतौर शिक्षक अब तक उनके गाइडेंस में 35 स्टूडेंट्स ने MPhil किया है, जबकि 30 विद्यार्थियों ने PhD। उनके पढ़ाए 1.5 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स देश के तमाम विश्वविद्यालयों में आज शिक्षक हैं। इसमें JNU, जामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी, लखनऊ का BBAU यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और वनस्थली विश्वविद्यालय का नाम उल्लेखनीय है। हमने प्रोफेसर विवेक कुमार से पूछा कि उनकी उपलब्धियों से क्या नई पीढ़ी प्रेरणा ले पाएगी। मुझे लगता है कि देखिए, बाबा साहब का जीवन या बाबा साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व अनगिनत लोगों को ये बात जो है दिखाता है, और हमने बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ी जिसके अंदर ये उन लोगों ने बताया कि बाबा साहब की वजह से ही वो शिक्षा ले रहे थे। तो शायद हम लोगों का 90 का दशक उस समय बाबा साहब के द्वारा जो वॉल्यूम थे, लिखित वॉल्यूम उनकी राइटिंग एंड स्पीचेस, वो छप करके आने लगी थी, और वो जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और बाबा साहब का कोलंबिया तक का इम्पैक्ट पड़ता है, वो अपने आप में हम लोगों को बनाता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमको भी इंटेलेक्चुअल बनना चाहिए, हमको भी पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग कुछ अचीव कर पाए हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे और भी युवा हों वो देखते हों इस दृष्टि से। पता नहीं, मैं अपने आप को अभी तो नहीं कह पाऊंगा कि वो देखते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ, जो कुछ लोग मेल लिखते हैं, कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि सर नहीं, हम आपको आइकन मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, हम आपको फॉलो करते हैं, तो एक खुशी होती है कि हम समाज के लिए कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उससे युवा अपना मार्गदर्शन ले रहा है। जाहिर है कि हाशिए के समाज के हर व्यक्ति की उपलब्धि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये उपलब्धियाँ नई पीढ़ी को नए सपने देती हैं, भरोसा देती हैं, यह यकीन दिलाती हैं कि मेहनत और संघर्ष के बूते वो सफल हो सकता है।